हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। किन्नौर जिला में दिन ब दिन कोरोना विस्फोट हो रहा है। चंद रोज पहले ITBP के 17 जवान कोरोना पॉजिटिव आने के बाद 4 नए मामले सामने आए हैं। 4 मामलों में से 3 निचार पंचायत से हैं, जबकि एक मामला भावानगर से सामने आया है। ये बात DC किन्नौर गोपाल चंद ने रिकॉम्पियो में प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि नए केस आने के बाद निचार पंचायत को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। प्रशासन पूरी एहतियात बरत रहा है। डिपार्टमेंट ने वहाँ पे तैनात कर दी है, वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी करेगी और जो एक सर्वे उसके अंदर होता है एक्टिव केस फाइंडिंग का होता, उस तरह की एक्टिविटी वहाँ पे की जाएगी और उस सर्वे के आधार पे कोई क्लोज कॉन्टैक्ट होंगे उनकी टेस्टिंग की जाएगी और कोई सिम्टोमेटिक होगा उनके भी सैंपल लिए जाएंगे, उनकी भी टेस्टिंग की जाएगी। तो इस तरह से ये घबराने वाली कोई बात नहीं है। और जैसे कि भावानगर में जो हमारा जो पुलिस के जवान आए थे तो उनकी हमने जो अभी तक जो है 366 के आसपास जो हम सैंपल जो उनके जो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स में थे उनकी जांच हो चुकी है। उनमें से सिर्फ दो लोग, एक पहले आया था वो भी पुलिस का आदमी था जो कि उनके क्लोज कॉन्टैक्ट में था, एक और आया हुआ कल जो वो भी 24-25 साल का है वो भी प्राइमरी कॉन्टैक्ट में था। इसलिए जो भावानगर का जो एरिया है उसमें किसी भी तरह का अंदर या सामुदायिक कोई इस तरह का प्रसार जो है COVID-19 का नहीं हुआ। कुछ दिनों में केसेस बढ़े हैं, इसमें आप लोगों को पता होगा कि 5 लोग जो ITBP के हैं, हमारे जो रिकॉम्पियो में बटालियन है उसके जवान है जो बाहर से आए थे। ITBP के एक कमांडेंट साहब से हमारे पास रिक्वेस्ट आई थी कि इनकी भी सैंपलिंग लो, तो हमने काफ़ी ज़्यादा सैंपलिंग इनकी भी ली थी, लगभग 150 से ऊपर लिए थे। और दूसरा जो एक सराहन वाली जो बटालियन है 43rd बटालियन है, उन्होंने भी अपने कुछ जवान जो यहाँ हमारे जंगी में भेजे थे क्वारंटीन करने के लिए भेजे थे जो मेरे पास जानकारी है, तो उनकी भी हमने सैंपलिंग की थी। और उनमें से जो है हमारी एक बहुत जो नंबर जो हमारा था बहुत ज़्यादा था, 17 लोग जो है उनके जो है पॉजिटिव आए। तो कुल मिला के देखेंगे तो हम तो 22 लोग जो हमारे जो है ITBP के जवान हैं। और अभी तक पूरे जिला में 31 हमारे पास टोटल एक्टिव केसेस हैं, 3 क्योर हो चुके हैं। जितने भी जो हमारे यहाँ पॉजिटिव केसेस आए हैं इसमें ITBP के जो जवान भी हैं वो सभी पूरी तरह से स्वस्थ हैं। जहाँ तक आप कह रहे थे कि अब जो है पूरा हिमाचल प्रदेश को खोल दिया गया है, ऐसा नहीं है। पहले हम जो है हिमाचल में आने के लिए जो ई पास देते थे जो कि संबंधित डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा इशू किए जाते थे, अब उस व्यवस्था को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। अब जो है जो भी हिमाचल प्रदेश में आना चाहता है उसे जो वही हमारी जो कोविड ई पास की जो साइट है उसमें अपने आप को रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। उसमें से एक सेल्फ जनरेटेड जो है वो एक्नॉलेजमेंट निकलेगी, उसमें QPR कोड भी लगा होगा और जैसे ही वो हमारे स्टेट के अंदर एंटर होगा वहां पे उसकी चेकिंग की जाएगी। QPR कोड के माध्यम से पूरी उसकी डिटेल्स की चेकिंग होगी, उसके बाद उसको एंट्री मिलेगी। और उसके बाद जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हमने एंट्री का यहाँ सिस्टम रखा हुआ हमारा चौरा पे बैरियर है, वहाँ हमने मेडिकल टीम को भी रखा हुआ है, वहाँ जो हम पूरी तरह से छानबीन करेंगे, जो एक्नॉलेजमेंट उनके पास होगी उस एक्नॉलेजमेंट को यहाँ दिखाना पड़ेगा और उसी के आधार पर जो है जिले के अंदर उनकी उनको एंट्री मिलेगी। और जो हमारा उसके बाद जो इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन का या हमारा जो उसमें होम क्वारंटाइन का जो सिस्टम है, हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए किन्नौर से अरुण नेगी लागू है, उसमें किसी भी तरह का कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है।